Be a part of powerful digital news network, Navi Mumbai Network. तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नेत्रदान चांद तारों के जो खुद हो मोहताज, भीख न मांगो उन उजालों की, बंद आंखों से ऐसे काम कर जाओ कि आप खुल जाए आंख वालों। उद्देश्यों से लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। शब्दों का अपना महत्व होता है। परमात्मा ने जिसको शरीर में कुछ कमी दी है, हम उसे विकलांग कहते हैं। कभी कभी हम जब उनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि हमें आंखों से उनकी कमी दिखती है, लेकिन ईश्वर ने उन्हें एक्स्ट्रा पावर भी दिया है। एक अलग शक्ति का उसके अंदर परमात्मा ने निरूपण किया होता है। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम देश के विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें। ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है या एक से अधिक अंग हैं जिसमें दिव्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समाज का एक तबका जो हमारे बीच रहते हुए भी अपने मौजूदगी और ताकत को दिखाने, अपने सम्मान को प्राप्त करने और अपने दम पर जीवन जीने की जद्दोजहद में लगा हुआ है, वो है दिव्यांग। इन्हीं दिव्यांग लोगों के जीवन की आशा की नई किरण बनकर आई ज्ञानम गंगा। कीप द होप अलाइव इस ध्येय वाक्य के साथ ज्ञानम गंगा ने सन 1985 में दिव्यांग लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने, विकलांगता को रोकने और लोगों में जागरूकता फैलाकर आम लोगों को नेत्रदान की तरफ प्रेरित करने के उद्देश्य से पूर्व स्काउट एंड वायु सैनिक डॉक्टर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में अपने सफर की शुरुआत की। दूसरों की खुशी के लिए अपना समय और सामर्थ्य खुशी खुशी देने वाली टीम ज्ञानम गंगा ने शुरुआती दौर में पढ़ने के शौकीन दिव्यांग लोगों के रीडर के तौर पर काम करना शुरू किया। समय गुजरता गया। 1986 वॉक टू विन, पुणे टू मुंबई, 105 दिव्यांगों ने पद यात्रा कर अपनी शक्ति का परिचय देते हुए ये साबित कर दिखाया कि दिव्यांग आम लोगों से किसी भी सूरत में कम नहीं। इसके बाद अथाह ऊर्जा का परिचय देते हुए 1999 में रन टू विन मनमाड़ से मुंबई और 2017 में साइकिल टू विन दिल्ली से मुंबई तक आयोजन कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। मगर कहते हैं ना कि कीप द होप अलाइव। आज जब कोरोना संक्रमण के बीच देश लॉकडाउन में घरों में कैद है, ऐसी सूरत में भी ज्ञानम गंगा दिव्यांगों के प्रति अपना अविरत प्रयास जारी रखे हुए है। लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग अपने अनोखे प्रयास से अपने परिवार और दुनिया को घरों में रहकर खुद की सेहत और बेहतर व तंदुरुस्त रखने का गुर सिखा रहे हैं। लॉकडाउन में आज बच्चे टीवी मोबाइल में व्यस्त हैं, मगर ये है 14 वर्षीय कृतिका पवार, ज्ञानम गंगा की सबसे छोटी होप एम्बेसडर, जो लॉकडाउन के दौरान अपने समय का सदुपयोग पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ सभी को समझाने का प्रयत्न कर रही है कि समय को व्यर्थ जाया ना करें, बल्कि इसका सदुपयोग कर अपने हुनर को और निखारें। इतना ही नहीं, ये है ज्ञानम गंगा के एडवेंचर इवेंट कमेटी की उपाध्यक्षा सुषमा सुनावने। सोशल साइंस में मास्टर कर चुकी सुषमा आज घर में खाली नहीं बैठी, बल्कि कोरोना संक्रमण के बीच इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने और खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए घर पर ही योग अपनी भतीजी को सिखा रही हैं, जो उनकी इस जिंदा दिली का जीता जागता उदाहरण है। ज्ञानम गंगा के खजाने की एक और मोती है दिव्यांग केतकी शाह। कॉमर्स से स्नातक कर चुकी केतकी एक साहित्यकार के साथ ड्रामा डायरेक्टर भी है। आज केतकी के शब्दों के मोती से कृषि प्रधान भारत की व्याख्या यह प्रदर्शित कर रही है कि विचारों की गहराई और ज्ञान का भंडार कितना विशाल है। वर्तमान में हमारे पास खाद्यान्न का भंडार भरा हुआ है। इसी का परिणाम है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी दौर में भी हमें खाद्यान्न का संकटों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। भीत नहीं बल्कि आशाओं की किरण देते ये है विनोद गुप्ता।
जो लॉकडाउन के दौरान भी अपनी सेवा भावी प्रवृत्ति जारी रखे हुए हैं। आशा की किरण देते हुए कह रहे हैं कि घनघोर अंधेरा छट जाएगा, कल नया सवेरा आएगा, तुम उम्मीद का दामन बनाए रखना, शरीर को अपने बचाए रखना। ज्ञानम गंगा के इन सिपाहियों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि कोरोना की जंग भारत कभी जीत नहीं सकता। ये समाज का वो तबका है जो आत्मविश्वास से लबरेज और आज दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। आज लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वे शब्द सच साबित हो रहे हैं कि यह ईश्वर की दिव्यता हासिल कर चुके वो दिव्यांग हैं जो आज दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर साबित हुए, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्ञानम गंगा की निर्मलता, विचारों में शुद्धता, दिव्यांगों के बल का प्रतीक है। यह उज्ज्वल भारत की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।